नमस्कार दोस्तों, जीएसटी स्पेशल ड्राइव ये एक ऐसी शब्दावली है जो इन दिनों बहुत सारे लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, विशेष रूप से व्यापारी व्यवसायी वर्ग और कुछ हद तक एक डर भी है व्यापारियों में कि अरे जीएसटी डिपार्टमेंट की टीम हमारे यहाँ पर आएगी, पूछताछ करेगी और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये विषय जनता जनार्दन से जुड़ा विषय है और क्यों ना मैं जनता जनार्दन को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करा पाऊं कि जीएसटी की ये जो स्पेशल ड्राइव होने वाली है, इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे मूल प्रयोजन क्या है और आप इस जीएसटी ड्राइव में सुरक्षित रहें उसके लिए आपको क्या कंप्लायंस कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो के थ्रू इन सारे विषयों को लेकर के मैं सी अनु भाटिया आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई, क्या वास्तव में ये जो जीएसटी ड्राइव की बात हो रही है ये ऑथेंटिक भी है या केवल ये एक तरीके का एक भ्रम है जो लोगों में फैलाया जा रहा है। तो मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का एक रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन मिला। ये इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023, ठीक है। ये जीएसटी विभाग की ओर से किसने जारी किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जीएसटी पॉलिसी विंग की ओर से। इसकी डेट है 4 मई 2023। किसको संबोधित किया गया? ऑल द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड ऑल द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। एंड सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइंस फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव। ठीक है, फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर कि ये ऑल इंडिया ड्राइव है, ये केवल किसी एक स्टेट की ड्राइव नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 16 मई से ये ड्राइव 2 महीने के पीरियड के लिए चलाई जानी प्रस्तावित है। तो ये खबर तो सच्ची है। अब इस खबर के अगले इंपैक्ट पर मैं आपको लिए चलता हूं। दोस्तों, कुछ बैकग्राउंड मटेरियल आपके रेफरेंस के लिए यहां पर लेके आना चाह रहा हूं। जो लोग इंग्लिश में इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे उनके लिए मैं हिंदी में भी इसका अनुवाद करने की कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग द नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स हेल्ड ऑन न्यू दिल्ली हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन 24 अप्रैल 2023, द इश्यू ऑफ अनसर्प्लस एलिमेंट्स मिस यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन टू ऑब्टेन फेक बोगस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी with an intention to defraud the government exchequer was deliberated. Such fake non-genuine registrations are being used to fraudulently pass on input tax credit to unscrupulous recipients by issuing invoices without any underlying supply of goods or services or both. This menace of fake registration and issuance of bogus invoices for passing of fake ITC has become a serious problem wherein fraudulent people engage in dubious and complex transaction causing revenue loss to the government. So, National Coordination Meeting State and Central GST Officers की आयोजित की गई नई दिल्ली में 24 अप्रैल 2023 को दोस्तों, उसमें इस गंभीर विषय पर चर्चा हुई कि बहुत से लोग फेक केवाईसी के थ्रू एक जीएसटी नंबर ऑब्टेन करते हैं और वो उस जीएसटी नंबर में दो तरीके के काम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है उसके नाम पे जीएसटी ले लिया और फिर दूसरे व्यक्तियों को जीएसटी के इनवॉइसेस काट देना ताकि वो उसकी इनपुट क्रेडिट ले ले। इससे सरकार को बहुत व्यापक स्तर पर चूना लग रहा है। मैं वर्ड थोड़ा हिंदी में मेरा शायद आपको अच्छा ना लगे, परंतु वास्तव में ये एक नुकसान राष्ट्रीय नुकसान भी है। तो दोस्तों, इस बैकग्राउंड के साथ में इस पर्टिकुलर ड्राइव को लेकर के आया जा रहा है कि ये ड्राइव क्यों आ रही है, आपको इसका कॉन्टेक्स्ट अब यहां पर मिल रहा है। इसी मटेरियल पर आगे बढ़ते हुए, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया जो सीबीएसई की ओर से है, इसी के अंदर से ये कंटेंट लेके आ रहा हूं कि वहां पर ये डिस्कस किया गया सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में, वेरियस मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑप्टेनिंग सच फेक रजिस्ट्रेशन हैव बीन डिटेक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के केस में राज्य एजेंसियों द्वारा यह पाया गया कि बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि ये फेक रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लोग ऑप्टेन कर लें। इन सम केसेस फोर्ज डॉक्यूमेंट सच एज
Forged electricity bill, property tax receipts, rent agreement, etc. are being used as a proof of principal place of business to obtain GST registration. In one of such recent cases, so there is an example being given. In one of such recent cases detected by the Gujarat state tax authorities, it has been found that a few fraudsters have obtained fake GST registration on the basis of PAN and Aadhaar number of persons from economically weaker sections without their knowledge. यानी किसी आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति कैटेगरी के व्यक्ति के पैन एवं आधार का यूज करके एक फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोस्तों ले लिया गया. आप समझिए वो व्यक्ति बेचारा कितना मारा जाएगा. और प्राइमा फेसाई सरकार तो उसी को एक बार पकड़ेगी और किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा करके एक फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया. इट वॉज रिवील्ड दैट द फोन नंबर ऑन द आधार कार्ड ऑफ these persons were got fraudulently modified at the nearest Aadhaar Seva Kendra, that is center, by taking these persons to the said Aadhaar Seva center by giving a nominal cash amount under guise of a government scheme and getting their Aadhaar cards linked to the dummy mobile number by using their thumb impression. ये हमारे देश में फर्जीवाड़े चल रहे हैं सर. और इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये स्पेसिफिक ड्राइव क्रिएट हुई है. तो अब आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए क्योंकि अनूप जी ये ड्राइव का मूल पर्पस क्या है, ठीक है, और फिर इस ड्राइव की एक्सेप्टेबिलिटी या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आप तैयार होंगे. और बात करते हैं सर इसी सीबीएसई इंस्ट्रक्शन में से. इन द नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑन 24th of April 2023, जिस पर अभी मैंने चर्चा की, इट वॉज डिस्कस that while various system based and policy measures are being taken to address this problem of fake registration and fake input tax credit, there is a need of concreted and coordinated action on a mission mode by central and state tax authorities to tackle this menace in a more systematic manner. To kendra sarkar aur rajya sarkaron ne milke tay kiya ki sahab ye jo galat kaam ho raha hai fake registration ka aur fake input tax credit ka, isko rokne ke liye ek samuhik prayas मिशन के रूप में किया जाए. इट वॉज एग्रीड दैट अ नेशन वाइड एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल ड्राइव शुड बी लॉन्च्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस टू डिटेक्ट सच सस्पिशियस फेक रजिस्ट्रेशन एंड टू कंडक्ट रिक्विजिट वेरिफिकेशन फॉर टाइमली रेमेडियल एक्शन प्रिवेंट एनी फर्दर रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट. इट वॉज डिसाइडेड दैट कॉमन गाइडलाइंस मे बी इशूड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन बाय द फील्ड फॉर्मेशन एंड फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग of the action taken during special drives. Accordingly, following guidelines are issued for such concrete action on fake dealers, fake billers in a mission mode. तो सर ये एक मिशन है, ये जो जीएसटी ड्राइव है, स्पेशल जीएसटी ड्राइव, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक मिशन है. और इसका पीरियड देखिएगा, पीरियड ऑफ स्पेशल ड्राइव, अ स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव मे बी लॉन्च्ड by all central and state tax administration during the period of 16 May 2023 to 15th of July 2023 to detect suspicious oblique fake GSTIN and to conduct requisite verification and further remedial action to weed out these fake billers from the GST ecosystem and to safeguard government revenue. तो भारत सरकार ये चाहती है कि ऐसे लोग जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के बैठे हैं या जो फेक जीएसटी क्रेडिट दे रहे हैं उनकी धरपकड़ की जाए. और इसलिए दोस्तों ये ड्राइव आ रही है. तो अब मेरा प्राइमा फेसाई कहना यह है कि जो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है उनको प्राइमा फेसाई डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आइए दोस्तों टारगेट की बात करते हैं. और आप समझ गए मेरे अब तक के डिस्कशन से कि राडार पर कौन है, टारगेट पर कौन है. सरकार ये चाहती है टू चेक फेक और नॉन जेन्युइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो फर्जी है या जेन्युइन नहीं है ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को राडार पे लाना, एंड चेक ऑन इश्यूएंस ऑफ बोगस इनवॉइसेस फॉर पासिंग ऑफ फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. जो लोग बोगस इनवॉइस बनाते हैं ताकि जीएसटी इनपुट क्रेडिट आगे फॉरवर्ड की जाए, वो एक तरीके से किसी व्यक्ति को आउटपुट क्रेडिट से एडजस्ट करने के लिए मिलती है. इन दो पर्पस के लिए या इन दो टारगेट्स के लिए दोस्तों ये जीएसटी ड्राइव अब आ रही है. अब एक और इंटरेस्टिंग बात रखता हूं कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटीआईएन होगा, यानी जीएसटीआईएन यानी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर जो फ्रॉडुलेंट हैं, गलत तरीके से लिए गए हैं या फर्जी तरीके से लिए गए हैं, उन्हें पकड़ने का क्या ये ड्राइव ही एकमात्र माध्यम है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटीआईएन बेस्ड ऑन डिटेल्ड डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क पैरामीटर, जीएसटीएन विल आइडेंटिफाई सच फ्रॉडुलेंट जीएसटीआईएन
For state and central tax authorities, GSTN will share the details of such identified suspicious GSTIN jurisdiction-wise with the concerned state central tax administration through DGARM in the case of central tax authorities for initiating verification drive and conducting necessary action subsequently. यानी भारत सरकार का सिस्टम केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को ऐसे पर्टिकुलर जीएसटीएन बताएगा जहां उनको लगता है कि कुछ सस्पिशन है. बिसाइड्स फील्ड फॉर्मेशन में ऑल्सो सप्लीमेंट दिस लिस्ट बाय डेटा एनालिसिस एट देयर ओन एंड यूजिंग वेरियस अवेलेबल एनालिटिकल टूल्स लाइक बीआईएफए ADVAIT, NIC Prime, EWA Analytics, etc., as well as through human intelligence, Aadhaar database, other local learnings, and the experience gained through the past detections and the modus operandi alerts. GSTN may separately provide a note to the field formation regarding the tool available in BIFA, which may be useful during the drive. तो भारत सरकार पूरे होमवर्क के साथ और राज्य सरकारें भी उस होमवर्क का फायदा लेते हुए ऐसे लोगों को ट्रेस करना चाहती हैं जिन्होंने फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया या जो फेक जीएसटी क्रेडिट देने में संलग्न है. तो ये एक मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है. आइए दोस्तों, एक जीएसटी डीलर के रूप में आपको ये बात समझ में आए कि अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ मेरे पर क्या है अनुप जी, कल को मेरी प्रीमाइजेस पर वो आ जाए जीएसटी डिपार्टमेंट की टीम चेकिंग करने, तो मेरी क्या तैयारी होनी चाहिए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मेरे साथ आगे की 3-4 स्लाइड्स में इसी विषय पर ज्ञानवर्धन पाएंगे. सो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज वन एज पर रूल 18(1) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स विच इज रिक्वायरिंग ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको मैं आरपी बोलूंगा, टू डिस्प्ले देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट अ प्रोमिनेंट लोकेशन ऑफ देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. यानी जब भी कोई व्यक्ति जीएसटीएन लेता है, रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उस जीएसटीएन में उसको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है. तो उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले होना चाहिए प्रोमिनेंट प्लेस पर. एज पर रूल 18(2) द रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑल्सो डिस्प्ले देयर जीएसटीएन ऑन इट्स नेम बोर्ड एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विथ एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो आपके मुख्य बिजनेस के स्थल पर और आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, सब जगह पर आपका जीएसटीएन आपकी फर्म के संस्था के नाम के साथ में लिखा होना चाहिए. ये एक प्राइमरली आवश्यक चीज है. तो अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं कर रखी तो ये भी सुनिश्चित करने का कष्ट जरूर करें. रिक्वायरमेंट मेरी आगे कंटिन्यू है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए. साइन बोर्ड शोइंग द फॉलोइंग डिटेल्स मस्ट बी डिस्प्लेड एट द प्रीमाइजेस. आपका चाहे प्रिंसिपल प्लेस हो सर या चाहे आपका एडिशनल प्लेस हो, उस पर एक साइन बोर्ड पर ये डिटेल्स होनी चाहिए. नेम ऑफ द एंटिटी और फर्म, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस, एड्रेस ऑफ द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जीएसटी नंबर आपका क्या है और मोबाइल एंड ईमेल. इनमें ये 4 डिटेल्स जो मैंने यहां पर मेंशन करी सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. मोबाइल और ईमेल एक बार अगर कम भी है, नहीं भी है, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैटर चलेगा. और देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स में एंश्योर दैट अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आर आल्सो ड्यूली रजिस्टर्ड विद जीएसटी फ्रॉम वेयर एनी टैक्सेबल गुड्स आर स्टोर्ड, सप्लाइड और वेयर. से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर और मेरा जयपुर में सपोज बापूनगर में मकान है और मैं सपोज मालवी नगर से भी फर्दर और कुछ जीएसटी सेल करता हूं सेम फर्म के नाम. सर मेरा अगर बापूनगर का रजिस्ट्रेशन है और मैं मालवी नगर से भी काम कर रहा हूं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक तरीके का एडिशनल प्लेस है. मुझे उस एडिशनल प्लेस को भी एज एडिशनल प्लेस ऑफ जीएसटी बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा. तो यदि आप 2 या 3 लोकेशन से काम कर रहे हैं या ज्यादा लोकेशन से काम कर रहे हैं पर रजिस्ट्रेशन जीएसटी का ऑफिशियली केवल एक जगह से ले रखा है, तो सतर्क हो जाइए सर, आपको एडिशनल प्लेस का भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. कीप द बिजनेस एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिंसिपल और एडिशनल रेडी फॉर वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग कॉपी ऑफ लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, एनओसी, रेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा. क्योंकि दोस्तों यही वो डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है, जैसे आपका लेटेस्ट पानी बिजली का बिल या जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं उस प्रॉपर्टी के ऑनर की ओर से आपको जीएसटी का बिजनेस करने के लिए दी गई एनओसी या रेंट एग्रीमेंट. ये डॉक्यूमेंट आपके पास में रेडी होने चाहिए, एज्यूम करते हुए कि जब जीएसटी की टीम आपके यहां पर आएगी इंस्पेक्शन करने तो आपके पास ये कागजात मौजूद. एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों,
मेक श्योर दैट इफ मल्टीपल बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड ऑन द सेम प्रीमाइसेस. अब एक ही एड्रेस है, मान लीजिए लिखा है 3/206 जवाहर नगर जयपुर. अब 3/206 जवाहर नगर जयपुर के ऊपर फॉर एन एग्जाम्पल तीन जीएसटी बिजनेस काम कर रहे हैं. तो मेक श्योर दैट इफ मल्टीपल बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड ऑन द सेम प्रीमाइसेस देन प्रॉपर डिमार्केशन इज डन टू आइडेंटिफाई द एरिया स्टॉक एक्सेट्रा. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस का प्लेस जिस पर तीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो तीनों का माल एक साथ पड़ा हो. आपके उस लोकेशन पर डीमार्केशन होना चाहिए क्योंकि बिजनेस ए का माल इस रूम में, बिजनेस बी का माल इस रूम में या गोदाम में, बिजनेस सी का माल इस रूम या गोदाम में. ये भी चीजें चेक की जाएंगी दोस्तों जब आपके यहां पर कोई इस प्रकार का जीएसटी के इंस्पेक्शन की टीम आएगी. तो फाइनली दोस्तों लाखपते की बात करते हैं कि विच डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट रेडी एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. जीएसटी सर्टिफिकेट अफिक्स्ड एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बोर्ड एट द गेट ऑफ द बिजनेस प्लेस. ये बोर्ड दोनों जगह चाहिए सर, प्रिंसिपल प्लेस पर भी होना चाहिए, एडिशनल प्लेस पर भी होना चाहिए अगर ऐसा है तो. ओरिजिनल एंड कॉपीज ऑफ पैन एंड आधार ऑफ प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस है अगर आप प्रोपराइटर हैं तो वहां पर आपका ओरिजिनल पैन और उसकी फोटोकॉपी और आपके आधार उसकी फोटोकॉपी. ऐसे ही डायरेक्टर्स के केस में अगर कंपनी का मैटर है तो डायरेक्टर्स के भी ओरिजिनल पैन आधार और उनकी फोटोकॉपी उपलब्ध होनी चाहिए. ये जीएसटी टीम आपसे मांग सकती है. लेटेस्ट यूटिलिटी बिल प्रिंसिपल प्लेस पर भी, एडिशनल प्लेस पर भी. रेंट एग्रीमेंट और एनओसी प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस बोथ. तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको चाहिए. एक साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी चाहिए कि आपके पास में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर बिल बुक अवेलेबल हो, यानी जब आप जिससे इनवॉइस काट रहे हैं चाहे वो मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, और परचेज बिल्स के माल आप जो परचेज करते हैं उनकी भी कॉपीज वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इस स्लाइड से यहां पर क्रिएट होती है. दोस्तों अब ये बात करता हूं, व्हाट इफ अ नॉन कंप्लायंस इज फाउंड. बहुत ऑनलाइन ये चीज चल रही है कि साहब अगर आपने कंप्लायंस नहीं करी तो आप पर 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी. तो क्या 50,000 की पेनल्टी लगेगी, 50,000 तक की लगेगी या ज्यादा की भी लग जाए तो? तो मैं आपके सामने रख रहा हूं सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें एक जनरल पेनल्टी की व्यवस्था की गई है. क्योंकि इस विषय में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी लॉ में यदि नहीं दे रखी तो ये जनरल पेनल्टी लागू होगी 125 सेक्शन से. वो क्या बोलता है, any person who contravenes any of the provision of this act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees. yani penalty kitne ki lag sakti hai dosto, 25,000 ki. lekin dhyan suniyega, aap par cgst act mein 25,000 ki penalty aur sgst mein bhi 25,000 ki. इस प्रकार बात यह की जा रही है कि 50,000 रुपए की पेनल्टी आप पर लग सकती है और ये 50,000 तक की हो सकती है. ठीक है, तो ये जो 50,000 वाली चर्चा आई ना सर, उसका भी लॉजिक मैंने यहां पर आपको देने की कोशिश करी. तो दोस्तों अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जेन्युइनली अपना बिजनेस कर रहे हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सहित हैं, उनको कहीं कतई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड जो पॉइंट मैंने यहां पर कंप्लायंस के बोले वो आपने सुनिश्चित कर लिए. लेकिन ऐसे लोग जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं किसी व्यक्ति का डेटा गलत इस्तेमाल करके, या जिन्होंने फेक जीएसटी क्रेडिट देने में योगदान दिया है यानी उसमें एक्टिव है, ऐसे लोगों को सतर्क होना चाहिए. सतर्क क्या, बल्कि अपना ये कार्यक्रम बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए. क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट अब अगले 2 महीने ऐसे व्यक्तियों को ट्रैक करने, चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज के रूप में हो सेंट्रल अथॉरिटीज के रूप में आ रहा हो, आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा. तो आई होप माई डियर फ्रेंड्स के इस जीएसटी स्पेशल ड्राइव का आप पर नकारात्मक प्रभाव ना हो, ऐसी मैं शुभकामना भी व्यक्त करता हूं. और ये भी बात कहना चाहता हूं कि यदि आप जीएसटी डीलर ही नहीं और आप कहते हैं मेरे ऊपर जीएसटी लागू नहीं है, पर आप एक व्यावसायिक उपक्रम खोल करके बैठे हैं, तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है. आपको केवल ये प्रूव करना है कि हाँ साहब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए ही लाइबल ली, तो आप बचेंगे. दूसरी बात ये मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि इस ड्राइव का विशेष पर्पज उन लोगों को पकड़ना है जिन्होंने फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है या जीएसटी की फेक क्रेडिट दे रहे, तो वे लोग जरूर सतर्क हो. और दोस्तों अंत में यह भी कहूंगा कि इस, वैसे तो मैं इनकम टैक्स विषय पर ज्यादा बोलता हूं, पर जीएसटी की इस वीडियो को बनाने में मैं मेरे मित्र सीए पंकज वाधवानी जी के योगदान का यहां पर एप्रिसिएशन करना चाहता हूं कि उनकी वजह से मैं ये वीडियो आप तक ला पाया. तो मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.